हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अश्वमेघ विद्यालय. माय सेल्फ फिरदोस शेख. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू इन स्टैंडर्ड थर्ड चैप्टर नंबर 3, गिव एंड टेक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू कंप्लीट दिस टॉपिक. व्हाट इज अवर टॉपिक टुडे? वर्क आउट 4 डिफरेंट वेज टू राइट द नंबर्स. अब हमें यहाँ पे देखो, आप नंबर्स देख रहे हो और बॉक्सेस देख रहे हो, ठीक है. ऐसा है कि 4 डिफरेंट वे, यानी कि अलग अलग 4 वे से भी हम एक आंसर हमें मिल सकता है. अगर 4 टाइप से हम एडिशन करते हैं फिर भी हमें ओनली 1 आंसर, सेम आंसर मिल सकता है. तो कैसे? If you add all the numbers in the first box, you will always get 59. Look at the 59. So if you add all the numbers in the first box, यानी आप first box में देखो कि 59 numbers हमें लाना है. और 59 numbers कैसे आया? तो 50 plus 9 किया तो भी 59 होता है. 30 प्लस 29 करते हैं तो भी 59 होता है. 19 प्लस 40 ऑल्सो 59, एंड 59 प्लस 0 इज इक्वल टू 59. सो दिस इज द 4 डिफरेंट वेज टू गेट द सेम आंसर. यानी एडिशन हम अलग अलग नंबर से एडिशन करते हैं फिर भी 59 आंसर आया है. तो ये क्या हुआ? 4 डिफरेंट वे फॉर गेट द सेम आंसर. So look it for you. 78 को हमें 4 डिफरेंट वेज से आंसर एडिशन करना है और आंसर आना चाहिए 78. ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. 78, सो फर्स्ट वी मेक अ पार्ट ऑफ 70 प्लस 8 कितना हुआ? तो 78. ओके, वन इज कम्प्लीट. नाउ सेकेंड, 50 प्लस 28 इज इक्वल टू ऑल्सो 78. अगर हम 50 में 28 ऐड करेंगे तो अभी 78 होता है. 70 में 8 ऐड करेंगे तो अभी 78 आंसर हमें मिलेगा. नाउ लुक एट हियर, 30 दिया है. अब हम हमारी मर्जी से नंबर्स नहीं लिख सकते, हमें 30 का यूज़ करना है. सो 30 में कितने नंबर्स ऐड करेंगे तो हमें 78 मिलेगा. थिंक अबाउट दिस. राइट, 48. 30 प्लस 48 इज इक्वल टू 78. ओके राइट. नेक्स्ट 49 नंबर से हम करते हैं तो 49 प्लस कितने नंबर ऐड करेंगे? चलो 49 मैंने आपको बता दिया. नाउ यू टेल मी विच नंबर आई ऐड हियर दैट मेक 78. थिंक. राइट, 29. ओके, इफ आई ऐड 29 ना 49, आई गेट द 78 नंबर. इज दैट क्लियर? Yes, now going on a next. Look at the number 83. Now start 83. तो सबसे पहले हम 83 के नियर का नंबर ही यहाँ पे अलग कर देते हैं तो हमें 83 तुरंत मिल जाएगा. So 80 प्लस विच नंबर कम हियर? 3. राइट, सो इट बिकम 83. नाउ लुक एट द सेम एज नंबर 2. नंबर 2 में भी हमें 30 दिया था, वैसे यहाँ पे 43 दिया है. नाउ टेल मी विच नंबर आई ऐड इन 43 दैट बिकम 83. कौन सा नंबर मैं ऐड करूँगी तो वो बन जाएगा 83. राइट, 40. राइट, 4 प्लस 4 8 एंड प्लस 3 83. राइट. नेक्स्ट मेक अ पार्ट एंड गेट द 83 नंबर. सो 20 प्लस कितने ऐड करूँ यहाँ पे? 63. दैट इज बिकम 83. 20 में 63 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 83. राइट. नाउ एक और अभी हमें यहाँ पे बनाना है.
So I write 22 and 51. 20 to 51 क्यों? तो 3 plus 5 8 होता है and 2 plus 1 3. Now become number 83. राइट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई और नंबर भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो. राइट, कि अगर आपको लगता है कि ये 2 जो है वो 52 कर देना है और यहाँ पे 31 करना है तो भी आप लिख सकते हो, बट ओनली गेट द आंसर 83. ओके, आपका आंसर आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए आंसर 83. उसका जब एडिशन करो तो 83 होना चाहिए. उसमें आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हो, आपका आंसर 83 हुआ तो वो राइट ही है. ओके, नाउ आई सॉल्व दिस टू. नाउ यू मे सॉल्व नंबर 4, 5 एंड 6 बाय योरसेल्फ. ओके, अब आपको अपने आप से ये वाले नंबर्स बनाने हैं और जिसमें एडिशन करने भी आना चाहिए 99 आंसर, दूसरे का है 102 और लास्ट है 168. तो ये एडिशन आपको आपके आप से ही करना है. ठीक है, समझ में आ गया ना? ऐसे फोर वे से एडिशन करना है जिसका आंसर हमें गिवन आंसर आ जाए, जो दिया हुआ आंसर है वो आना चाहिए. जैसे 99 है तो मैं यहाँ पे आपको एक करके देती हूँ कि 90 और 9 बिकम 99 हो गया. यहाँ पे करूँ तो 100 एंड 2 इट बिकम 102 एंड हियर 168 बिकम 168. नाउ यू मे सॉल्व अदर बाय योरसेल्फ. ओके, सो लुक एट द नेक्स्ट. कैन यू सॉल्व दिस पजल? क्या आप ये पजल सॉल्व कर सकते हो? देखो यहाँ पे ट्राइंगल शेप में एक पजल दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है. आप ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली करना क्या है. ओके, सो लिसन केयरफुली. राइट द नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन द सर्कल. आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर जो है उसको ये जो फ्लावर शेप्स दिया है ना ट्राइंगल के अंदर, उसमें कहीं भी लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, द सम ऑफ द नंबर ऑन ईच साइड ऑफ द फिगर इज 12, बट द कंडीशन इज कि आप जब नंबर्स लिखो तो ये 1-1 साइड है ना, उसका एडिशन कितना होना चाहिए? तो 12 होना चाहिए. ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना आपको? हाँ, बट हम इसे इजी कर देते हैं अभी. बट एडिशन कैसा होना चाहिए उसका? 12. ये 3 का प्लस करो, ये 3 का प्लस तो वो 12 होना चाहिए. ये 3 नंबर्स यहाँ पे लिखे उसका प्लस प्लस करो तो 12, और यहाँ पे भी प्लस प्लस करते हो तो 12 होना चाहिए. ओके, ये पजल आपको सॉल्व करनी है. इंटरेस्टिंग पजल है, आपके फ्रेंड्स के साथ में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो राइट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं. चलो पहले 4 लिखा यहाँ पे मैंने, 5 एंड 6. ओके, यहाँ पे 6 प्लस 5 है तो 11 होता है ये, तो यहाँ पे मैं 1 ऐड कर देती हूँ तो मेरा एक सॉल्व हो गया 12. 6 प्लस 5 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12. ओके, अब यहाँ पे मैं देखती हूँ तो 6 एंड 4, 6 प्लस 4 होता है 10, तो यहाँ पे कौन सा नंबर रखूँ मैं तो मेरा हो जाएगा 12. सो आई राइट नंबर 2. सो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, हो गया एक सॉल्व. नाउ ओनली लेफ्ट नंबर 3. सो 5 प्लस 4 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12. कंप्लीट, इजी है ना? ये हो गया आपका सॉल्व पजल. ओके, ये गेम आप आपके फ्रेंड्स के साथ में भी खेल सकते हो. आपके फ्रेंड को ये बिना आंसर वाला नंबर जो है, ये जो पिक्चर्स है बिना आंसर वाला, उसको ये आंसर लिखिए, उसको रफ करके या फिर आंसर लिखिए बिना, पहले ये पजल आपके फ्रेंड को भेज दो और फिर ये कंडीशन लिख दो. आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो आपके फ्रेंड को कि चलो ये मुझे सॉल्व करके दिखाओ इसको, कि आपको किसी भी कोई भी नंबर रख के उसका आंसर 12 आना चाहिए. ऐसे नंबर्स करके दिखाओ, खेल सकते हो ना ये गेम, है ना? दिस इज द वन काइंड ऑफ गेम, सो यू मे ऑल्सो प्ले विथ योर
फ्रेंड्स, तो मज़ा आएगा। आपके फ्रेंड्स को पूछना है कि बताओ इसमें क्या आंसर, कैसे आप एडजस्ट करोगे, तो आंसर आएगा 12। ओके, सो टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, वी स्टॉप हियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड राइट द करेक्ट आंसर इन दिस बॉक्सेस एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।